नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल माँ डिजिटल सेवा में फिर से। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपने दोनों चैनल MDS टेक एंड न्यूज और माँ डिजिटल सेवा में ये ब्रेकिंग न्यूज। तो फ्रेंड्स, बता रहे हैं आपको, लॉकडाउन समाप्त होते ही आपके जो है 10 दिन के अंदर बोर्ड एग्जाम करा दिए जाएंगे, ऐसा जो है लोक शिक्षण संचालय द्वारा जो बताया गया है, शिक्षा विभाग के माध्यम शिक्षा मंडल द्वारा बताया गया है। इसकी न्यूज के बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ इसी प्रकार अपडेट रहना चाहते हैं सभी जानकारियों से, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मिलते रहेंगे हमारे द्वारा बनाए गए टेक्निकल न्यूज, जॉब अलर्ट और एजुकेशन रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस और कंप्यूटर संबंधी सभी समस्याओं का समाधान। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अगर आपको ज्वाइन करना है ग्रुप्स, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप करना है तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक और मुझे जो है फॉलो कर सकते हो, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, तो आपको जो है सभी जानकारी समय पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आप ले चलते सीधे आपको न्यूज के पास और आपको दिखाते हैं लाइव। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ दैनिक भास्कर की न्यूज के पास, जो कि मेरे पास कटिंग है। मैंने इसकी जो है कटिंग निकाल के आपके लिए स्पेशली लेकर के आया हूं। यहाँ पर लिखा हुआ, माध्यमिक शिक्षा मंडल 21 मार्च को स्थगित हुई थी परीक्षाएं 10वीं में 33,805 व 12वीं में 23,419 छात्र हुए हैं शामिल। लॉकडाउन हटने के 10 दिन बाद बोर्ड परीक्षा बोर्ड पेपर कराने की तैयारी है, जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कहा गया है। साथ ही फ्रेंड्स, इसका जो है मेन मुख्य वजह है, मार्च से लागू लॉकडाउन के बीच 10वीं और 12वीं की विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की बाकी पेपरों की परीक्षा की चिंता में है। इधर शिक्षा विभाग के सूत्र बताते हैं कि माध्यमिक शिक्षक मंडल लॉकडाउन हटने के 10 दिन बाद ही परीक्षा संपन्न कराएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का भी घोषणा कर दी है, लेकिन MP बोर्ड की परीक्षा की तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। हालांकि बोर्ड के सचिव अनिल सुचारी ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की स्थगित पेपर की परीक्षा लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन के भीतर कराई जाएंगी। छात्र छात्राओं को अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर नंबर नहीं दिए जाएंगे। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। कोरोना वायरस के दौरान में परीक्षाओं में न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा होगा, बल्कि बदले हुए हालातों में सुरक्षा के लिहाजों से परीक्षा केंद्रों में भी बदलाव करने होंगे। जाहिर है, मंडल के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। जानकार बताते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग कर एंट्री दी जाएगी। पेपर देने से पहले छात्र छात्राओं को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होगी। पेपर देने के बाद भी एक बार फिर से छात्र छात्राओं को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर के साथ ही हाथ धोने के लिए अलग अलग साबुन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बढ़ाने पड़ेंगे परीक्षा केंद्र। जो परीक्षा केंद्र आपके बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी जाएगी। जहाँ पर 3 बैठते हैं वहाँ पर 2 ही बैठेंगे, ऐसा जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कहा गया है। परीक्षा में इस बार सबसे महत्वपूर्ण होगा सोशल डिस्टेंसिंग, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके अनुसार ही परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अब तक एक कमरे में 30 विद्यार्थी परीक्षा के लिए बैठे रहे थे, बदले हुए हालातों में अब 8 से 10 विद्यार्थी को ही बैठाकर परीक्षा दी ली जाएगी। इसके चलते परीक्षा केंद्रों की संख्या भी दोगुना तक बढ़ाने की तैयारी बोर्ड को करनी होगी। मास्क की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। साथ ही बोर्ड के सामने यह चुनौतियां भी होंगी। परीक्षा कराने को लेकर बोर्ड के सामने 3 बड़ी चुनौतियां भी होंगी। पहले तो एक सेंटर को 3 सेंटर में तोड़ना होगा। इन परीक्षा केंद्रों को 1 किलोमीटर के दायरे में ही रखना होगा, ताकि विद्यार्थी और अभिभावक परेशानी नहीं हो। इन केंद्रों के अलग अलग करने से पहले विद्यार्थियों को सूचना भी देनी होगी, जिससे वे भटके नहीं। विद्यार्थियों के साथ साथ परीक्षा की ड्यूटी में लगे शिक्षकों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी, साथ ही जिससे वे एक दूसरे के संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त रहें। यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी विद्यार्थी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसके बैठने की व्यवस्था में अचानक कैसे बदलाव किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही है आपके लिए जानकारी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मिलते रहे हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार जानकारी है, जिसमें आपको हर संबंधित माध्यमिक शिक्षक मंडल से रिलेटेड हर जानकारी अपडेट आपको समय से पहले प्राप्त होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमें मिलता रहेगा आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन और आपको लेकर के आते रहेंगे आपके लिए नए नए वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।